सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ज्योग्राफी में आज हम 2021 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चंस हैं तो इनको देखेंगे। ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आप कि रिपीटेड नेचर के आते हैं, सो द मोर यू वर्क ऑन बेटर इट इज, सो आपको वर्क करना है। अब कुछ जैसे देखोगे कि अब इसमें एक दो क्वेश्चन आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेंगे लेकिन वो ज्योग्राफी के सेंस से हमने रखा है। और फॉर एग्जांपल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। अब पोर्ट पे 2022 में भी एक क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था कि इंडिया में 4 मेजर पोर्ट हैं और उसमें था 25 माइनर पोर्ट, तो वो गलत था क्योंकि तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं और 205 जो हैं वो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट हैं, तो वो ऑप्शन था। इसमें है कि कौन से इसमें जो है वनली रिवराइन यानी कि जो रिवर पे नदी पे बना हुआ नदी ये है नदी वाला पोर्ट है और बाकी जो क्या है ओशन है सी सॉरी हाँ मतलब शी पे बना हुआ है। तो मुरगांव मुरमोगांव या मुरगांव जिसको बोलते हो ये गोवा में है, तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है। दीनदयाल दीनदयाल जो है कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट नेम किया गया है, तो ये आपका गुजरात में है तो ये भी आपका वेस्टर्न कोस्ट में है। कोलकाता पोर्ट जो है वो आपका क्या है रिवर पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। और पारादीप जो है ओडिशा में ईस्टर्न कोस्ट, सो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। डेजर्ट रिवर कौन सा नहीं है इसमें, तो देखो ये बराक रिवर जो है वो बराक क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट में है और ये आपका जो है ये आसाम वगैरह में फ्लो करता है और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है फिर, तो ये आपका आंसर होगा ये डेजर्ट रिवर नहीं है। रुपेन रिवर जो है वो गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो गुजरात में है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। बनास जो है वो आपका राजस्थान में है। और मच्छू रिवर तो आप कुछ दिन पहले जो है आपने मोरबी डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जो जिसपे जो ब्रिज कोलैप्स कर गया था जिसमें बहुत सारे लोग का डेथ हो गया था, तो ये गुजरात में है, तो ये रूपेन और मच्छू जो है वो गुजरात में और बनास जो है वो आपका राजस्थान में, तो ये डेजर्ट है और ये बराक जो है वो उधर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो डेजर्ट नहीं है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करा, हाईएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन द रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड। जब नदी बहती है तो बहुत सारे उसमें से लोड रहते हैं, सोल्यूशन लोड। सोल्यूशन लोड का मतलब मान के चलो कि सॉल्ट मिक्सचर है या फिर और कुछ चीजें हैं मिक्स जो वो लिक्विड फॉर्म में जो मिल करके, तो ये नहीं होगा ये हैवीएस्ट। सस्पेंशन का मतलब है कि सस्पेंशन जो आप छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा है। सॉल्टेशन लोड जो है वो सॉल्टेशन लोड एक तरह से वो थोड़ा सा इससे बड़ा जो है मान के चलो कुछ स्मॉल स्मॉल कंकड़ या इस टाइप के जो इधर से उधर होते रहते हैं। और ट्रैक्शन लोड जो है वो हैवीएस्ट है, बोल्डर वगैरह जो बड़े बड़े बोल्डर रहते हैं ये इस साइज के, तो ये ट्रैक्शन लोड जो हैवीएस्ट है इसमें, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। कोरल जो आप जान रहे हो कि कोरल रीफ जो फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का वो लार्जेस्ट है लेकिन इसका जो भी है डिग्रेडेशन होता जा रहा, तो जो भी कोरल रीफ है वो सी वाटर में पाया जाता है सॉल्टी वाटर, तो सी वाटर में पाया जा रहा फ्रेश वाटर अभी इसमें नहीं होगा, तो पहला जब हट गया तो ये 3 हट गया, अब आपका क्या है आंसर बी हो गया। तो क्लियर स्वेलो सॉल्ट वाटर सही है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री एंड 25 डिग्री। 23 डिग्री एंड 25 डिग्री ये आइडियल इसके हैं, अब ऐसा नहीं है कि इसके बियॉन्ड नहीं, इसके बियॉन्ड भी होगा लेकिन इन जनरल जो प्रॉपर ये है आपका कंडीशन ये बेटर है, तो ए आपका फ्रेश वाटर ये नहीं होगा तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कन्वेक्शन करेंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। एक चीज ध्यान रखो, जो कन्वेक्शन करेंट है यानी कि विवर्तनिक प्लेटों का संचलन करने वाली संवहन धाराएं, अब ये क्रस्ट देखो क्रस्ट क्या है सॉलिड में है, इसका मतलब वो जो भी होना चाहिए वो लिक्विड में होना चाहिए, तो ये मेंटल लिक्विड में, आउटर कोर और इनर कोर ऑलमोस्ट सॉलिड में होते हैं, तो ये आपका बी आराम से हो गया। नेक्स्ट है ये देखो करंट का था लेकिन स्पेस ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ लोकेटेड है
ऑब्वियसली ये करंट का था, तो वोल्केनो माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी जो वोल्केनो ज्वालामुखी है, विच इरप्टेड इन जनवरी 2021, इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया में, तो इसका सी हो गया। ऑब्वियसली ये करंट का है, बट सम टाइम यू हैव टू डू। नेक्स्ट आपका है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका जो है वो 5th of June को मनाया जाता है, तो 5th June 2021 को विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन इंडिया। ये भी आपका करंट का था, तो ये रायमोना, रायमोना ये इनफैक्ट ये चारों जो है, रायमोना, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और नामेरी, ये सारे के सारे जो है आसाम के नेशनल पार्क हैं, तो इसका ए हो गया। नेक्स्ट साइक्लोन ताउते, ताउते या तौकते जो भी है, ताउते ऐसे इन नॉर्मल प्रोनाउंस किया जाता है। तो निम्न ये जो आप देखते हो साइक्लोन, तो इधर मान के चलो कि आपका जो इंडियन ओशन के साइक्लोन इस साइड में है, तो वो है वो 8 कंट्री 8 8 नेम्स दिए हैं, तो वो अपना चलता रहता है टर्म पे। तो ये ताउते जो दिया गया था वो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मीन्स रासायनिक रिएक्शन, जिसमें तो कार्बोनेशन सोल्यूशन, यस कार्बोनेट जो CaCO3 फॉर एग्जाम्पल, कैल्सियम कार्बोनेट ये होता है, और डिफरेंट मान के चलो MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब कार्बोनेट बन करके जो ये फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो ये केमिकल है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब क्या है कि सॉल्ट ऑलरेडी है वो क्रिस्टलाइज हो जाता, मान के चलो क्रिस्टलाइज जम गया तो वो फिजिकली स्पेस वहां टाइट हो गया, फिर आपका यदि वो क्रिस्टल बना, फिर क्रिस्टल में ग्रोथ होने लगा मान के चलो फिजिकली एक्सपेंशन के कारण, इट नॉट अबाउट केमिकल, कि फिजिकली एक्सपेंशन के कारण, तो वो आपका चट्टान को ब्रेक करेगा। तो ये आपका क्या है, फिजिकल या मैकेनिकल, इसको कह सकते हैं फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। हाइड्रोलिसिस, तो जल अपघटन, वो जल से रिएक्शन करेगा जो मिनरल्स वगैरह है, तो ऑब्वियसली वो केमिकल होगा, और ऑक्सीडेशन तो केमिकल है ही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैच करना है लिस्ट में, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो जो फोल्ड माउंटेन है और ये कंट्री और कॉन्टिनेंट, तो जो आपके यूराल है, तो यूराल कहाँ है आपका, रशिया में है, तो यूराल जब रशिया में है तो ए का 3 हो गया, तो 2 आपका हट गया। अब यदि देखो मान के चलो एंडीज कहाँ है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, तो डी का 1 दोनों में है, अब एक को आपको जानना होगा। तो एप्लाचियन जो है वो आपका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो ड्रैकेंसबर्ग जो है वो आपका साउथ अफ्रीका में होगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। ओके शो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया। जो ये इसमें से कौन से जो पाए जाते हैं, ये आपका जो मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर है इंडिया का है, तो हेमेटाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दो हैं, लिमोनाइट और सीडेराइट और ये निग्लिजिबल नहीं है इन नॉर्मल, तो 1 and 2 होता आएगा, तो ए है। नेक्स्ट आपका ये भी कह सकते हो ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये आपका जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में ये मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं यहाँ, नियर आपका देहरादून के पास, जो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, तो वहाँ आपका माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह ये आते हैं, इसके लिए ये फेमस है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केव, आर्चेस, स्टैक एंड स्टम्प आर द लैंडस्केप फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो नॉर्मली देखो केव जो है, केव आपका क्या रिवर के द्वारा, केव आप नहीं सुने हुए हो ना, वो बेव के द्वारा ही केव बनता है। अब लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर से नॉर्मल ये सारे नहीं बनेंगे विंड के द्वारा, ये सारे नहीं, तो ये जो आपका वेव है जो तरंग के द्वारा, समुद्र तरंग, तो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्चुअली देखो ना ये वाला पार्ट जो है ये रिपीटेड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है
ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये जो सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, ये प्रीवियसली ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखो, जो ये वाला पार्ट है शामिल यानी आंसर में आपका वन शामिल है, तो इसका मतलब दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, तो ये फोर नहीं हो सकता है। तो जिसमें जिसमें फोर है ये हटा दो, तो आपका हो गया द वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर राउंड, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्री, ट्री के द्वारा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो लगेगा ना कि जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसके मृदा पूर्णता अनुर्बर रहती है, तो अनुर्बर रहेगा लगेगा आपको कैसे, तो ये जनरली ये जो है आपका ये इस वजह से कि प्रॉपर आपका जो लीचिंग हो जाता है बारिश के कारण, तो जो मृदा है वो प्रॉपर एक तरह से उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो जमा नहीं हो पाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये सी है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई डेट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेंड बाई इवेपोरेटिंग द सेलाइन वाटर। तो ऑब्वियसली देखो एरिड क्षेत्र में ही, एरिड रीजन में ही ये होता है, लेटराइट एलुवियल और पीटी सॉइल में नहीं होता है, तो ये डी है। नेक्स्ट, इन इंडिया कार्डामोम हिल्स आर रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द कार्डामोम हिल्स, यानी उसको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची पहाड़ियां। तो ये कहाँ आपका है, ये केरल साइड में है केरला, तो ये केरला साइड क्या है, वेस्टर्न घाट आपका, नागामी जो तो ऐसे ही आप हटा दिए, अब ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो ये वेस्टर्न घाट केरला साइड में मोर है, तो ये आपका जो है डी हो जाएगा। ये वन ऑफ द इजिएस्ट था। सतलज आप जान रहे हो इंडस का है, कोसी गंगा का है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र का है और चंबल जो है यमुना का है, तो आपका ए का फोर हो गया, बी का थ्री हो गया, तो 4 3 2 1, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रॉडली ब्रोक बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कह रहा है कि ब्रॉडली बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर लो, तो ये देखो एक्चुअली में एक्सपेंडिंग इसमें नहीं होगा, एक्सपेंडिंग तो नहीं होगा, अब ये हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी, तो एक्चुअली लो है इन नॉर्मल बर्थ रेट और डेथ रेट, लेकिन ये अभी अस्टेबल ये नहीं हुआ है, तो वो आपका अभी लो स्टेशनरी स्टेज में आएगा, जब प्रॉपर अस्टेबल हो जाएगा तो हाई स्टेशनरी स्टेज में आएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन, अब इसको इकोनॉमी में भी आप ट्रीट कर सकते हो, ज्योग्राफी में भी ट्रीट कर सकते हो जैसा, तो पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है, खींचना अपनी ओर, तो नेचुरल डिजास्टर अपनी ओर नहीं खींचेगा कि आपको पास नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो आइए, नहीं, नेचुरल डिजास्टर क्या है, पुश फैक्टर है, कि पुश कर रहा, किसी एरिया में नेचुरल डिजास्टर बहुत हो रहा है तो वहां से पुश करेगा, तो नेचुरल डिजास्टर तो नहीं होगा। हाई वेज, यस, किसी एरिया में हाई वेज है तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये पुल फैक्टर, तो यही आंसर हो जाएगा। हाउसिंग शॉर्टेज, किसी एरिया में हाउसिंग शॉर्टेज है तो वो पुश फैक्टर है ना, कम हाउस है तो आप वहां से दूसरी जगह, लो इनकम, लो इनकम, कम इनकम है तो आप दूसरी जगह जाओगे, तो ए सी डी जो है वो आपका क्या है, पुश फैक्टर है, और बी जो है हाई वेज है, पुल फैक्टर है, तो डी इसका, ये सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ ए वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड, कह रहा है कि जो ज्वालामुखी है उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को, तो मान के चलो ये ज्वालामुखी है, तो यहाँ ये निकला और यहाँ मान के चलो ना ये आपका ये बन जाता है गर्त, तो उसको क्या कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर लेक, जिसको बाद में वो क्रेटर लेक वगैरह हो जाता है, ठीक है, जैसे आप देखोगे आपके महाराष्ट्र में है लोनार, लोनार लेक कहाँ है, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड, किसी स्थान का मैप जो है उस पर आपको यदि जगह ये प्राप्त करना है तो आपको क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी चाहिए और लैटिट्यूड भी चाहिए। अब मान के चलो कि सपोज इसको ऐसे अर्थ पर भी कोई लो,
तो ये आप किसी चीज का आप बोल दोगे कि एक लेटिट्यूड हमको पता है, तो नहीं पता चलता है ना, एक इस लेटिट्यूड पे बहुत तारे होंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड भी होगा तो दोनों होगा तो आपको एब्सोल्यूट पता चल जाएगा। तो बोथ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, तो सी इसका करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय, ये वन ऑफ द इजिएस्ट है, तो एनीमोमीटर। अब ये विंड वेन जो क्या है, ये डायरेक्शन, विंड रोज ये भी डायरेक्शन, बैरोमीटर प्रेशर, ये ऑलरेडी दिया हुआ बाई दाब मापी प्रेशर, ये इसमें दिग्दर्शी दिया हुआ है, तो ये दोनों डायरेक्शन, ये आपका प्रेशर, ये आपका वेलोसिटी जो विंड का स्पीड कह सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इन द कोर्स ऑफ ए रिवर, जब नदी बहती है, इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मीएंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन। अब ये मान के चलो रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में मान के चलो कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो रिवर एक तरह से अब इधर यहाँ ऐसे हुआ, फिर सपोज ये अपना चेंज कर लेगा, तो एक एक मान के चलो ऐसा बन सकता है जो वो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, यानी कि चाप झील। तो ये आपका जो है 23 क्वेश्चन, इसमें 21 में थे तो हमने 23 कर लिया। कुछ ऑब्वियसली देखो एक दो आपका करेंट अफेयर्स से रिलेटेड भी दो तीन था, तो बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लर्न करना है, आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके गलत नहीं होते हैं, होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हम 2020 का करेंगे, इस ढंग से चलेगा। ओके, थैंक यू।